किंगनघाट तालुका में जोरदार अतिवृष्टि होकर नदी नाले उफान पर आए। इससे बाढ़ की स्थिति से तालुका के अनेक गांव के रास्ते बंद हो गए, कई मार्ग जलमय हुए। तालुका के येनौरा की ओर जाने वाले अंबिया नाले पर का पुल बाढ़ के पानी से बह गया। अंबिया नाले को हिंगनघाट के भाकरा नाले का पानी आकर मिलने से नाले के आसपास का परिसर जलमय हो गया है। हिंगनघाट के नजदीक पिंपल गांव के एक युवक को भी अपनी जान गंवाना पड़ी। भाकरा नाला का पानी आगे अंबिया नाला को मिलने से वहां पर भी पानी का बहाव तेज हुआ। यहीं से येनौरा, बुरकोनी, चीजघाट, लाड़की की ओर जाने वाला मार्ग है। ये पुल बह जाने से यहाँ का आवागमन बंद हो गया है। ये पुल सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने करीब 20-25 वर्ष पूर्व बनाया था। इसकी तत्काल दुरुस्ती की मांग की जा रही है। उक्त मार्ग बंद होने से अब यहाँ के नागरिक और छात्रों को करीब 6 किलोमीटर का फेरा लेकर चिंचोली, बोरगांव, नांदगांव के मार्ग से हिंगनघाट को जाने की नौबत आई है। इस संदर्भ में दिए गए ज्ञापन के साथ लोक प्रतिनिधियों ने भी आमिया नाले के पुल की दुरुस्ती करने की मांग की। साथ ही नाले के किनारे के किसानों के डूब गए खेती की फसल के नुकसान भरपाई देने की मांग की गई है। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि योनरकर की रिपोर्ट।